असल छः महीने के बाद हम अपने बच्चों का वेट गेन किस तरह करें वो भी जल्दी कुछ फूड्स मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा मदद देगी आपके बच्चों का वेट गेन करने में ना कि आपके बच्चों को मोटा करेगी बल्कि करेगी हेल्दी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाना सबसे नंबर वन पे तो आता है बनाना बनाना को आपने किस तरह देना है क्योंकि आपको पता जो सिक्स मंथ के बाद बच्चा फ़ौरन खुद से नहीं खाता मदर को खिलाना पड़ता है आपने बनाना को मैश करना है जैसे कि आपको प्लेट में शीशो हो रहे हैं कि मैंने मैश किया हुआ है इसको आपने मैश करके मींस रखना है उसको चम्मच के साथ देना है लेकिन अगर सर्दी हैं तो सर्दियों में आपने बनाना किस तरह खिलाना है सर्दियों में आपने बनाना को मैश करके हल्का सा नीम गर्म नीम गर्म हो के उसकी जब आप उसको स्पून से कराओ हल्का हल्का नीम गर्म टेस्ट हो क्योंकि बनाना को मैश करके आप वैसे देंगे ना सर्दियों में तो वो ठंडा होता है उससे बच्चे का गला ख़राब हो सकता है इसलिए जब भी आपने सर्दियों में बनाना मैश करके देना है तो आपने उसको नीम गरम दूध ऐड करके देना है और खिलाना है उसके अलावा जो साल का बड़ा बच्चा है उसको आप वैसे भी मीन टेंगो दे सकती है वो खुद ब खुद खाएगा और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दिमागी तौर तो पर जस्मानी तो होंगे इससे आपके बच्चों के बोन बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और बहुत ज़्यादा एक्टिव होगे इसके अलावा जो दूसरा फूड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फूड है वो है पटाटो क्या हो गया ये है आलू घर में सबके मौजूद होता है आलू को आपने क्या करना है कोई ख़ास चीज़ ट्रिक नहीं करना आलू को सिर्फ आप लोगों ने बॉयल करना है बॉयल करके इसके छिलके उतार के आप लोगों ने हल्का सा नमक बहुत लाइट सा नमक ऐड करना है और उसको भी आप लोगों ने मैश करके अपने बच्चों को देना है इसके अलावा आप आलू को किस तरह फॉर्म में दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है सिक्स मंथ के बाद तो बच्चा मदर खिलाती है बच्चा खुद से नहीं खाता इसलिए आपको बेस्ट तरीके का आप उसको मैश करके ही दीजिएगा है क्योंकि आप अगर वैसे देंगे मे भी उसको फंस जाए क्योंकि बच्चों को भी खाना नहीं आता साल के बाद तकरीबन ट्रेन होता है इसलिए आप लोगों ने सिक्स मंथ के बाद बच्चों को मैश करके पटाटो देने हैं अगर जो साल का बच्चा है उसको आप फ्राइज कैसे आपने फ्राइज़ बनाने हैं तेल में नहीं बनाने क्योंकि तेल से बनाने के बच्चे का गला खराब हो जाता है आपने उसको फ्राइज़ को की तरह पटाटो को कट करना है उसके बाद आपने उसको मीन्स बॉयल कर देना है जब वो बॉयल हो जाएगा उसको हल्का सा नमक ऐड करके आप बच्चों को दे ठंडा करके तो जो साल के ऊपर वाले बच्चे वो वैसे ही खेलते खेलते वन उसने पीस पकड़ा और खाना शुरू कर दिया दूसरा पीस पकड़ा तो खाना शुरू कर दिया इससे बच्चा आपको पता बच्चा बैठ के तो नहीं खाता भागम भाग भी खाता है ठीक है तीसरी जो चीज़ है वो है एग आपको पता है एग बॉयल एग में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है जो कि बच्चों के लिए मसल के लिए बहुत स्ट्रांग है बच्चों की नींद के लिए बहुत स्ट्रॉग है इससे आपको पता से क्या है क्या होता है प्रोटीन से बच्चों का जो मीन स्टेमिना बहाल होता है ठीक बच्चों के लिए एग बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चों को बीमार नहीं होने देता आप रूटीन में अपने बच्चों को छोटे बच्चों को खिला रहे हैं सर्दियों में जरा आप सफेदी से अवॉइड कीजिएगा जर्दी दीजिएगा और वैसे नॉर्मल मौसम में आप दोनों चीजें सफेदी और जर्दी दोनों दे सकती हैं और ये बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग अंदर से स्ट्रोंग करता है और बीमारियों से फाइट करने की एनर्जी आ जाती है नंबर फोर पर जो फूड है वो है साबुदाना साबुदानों को आप पानी में भी बना सकते हैं उसके अलावा आप मीन्स दूध की खीर भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं ये भी बच्चों को मोटा करने में सबसे अहम मीन्स करदार अदा करती है उसके अलावा ये क्या करते हैं सिक्स मंथ के बाद आप लोगों को पता है बच्चों के दांत निकलने का स्टार्ट हो जाता है उसमें भी ये बच्चों के बहुत हेल्पफुल होगी बच्चों की इजी तरीके से दांत निकलेंगे बच्चा चिचड़ा कम होगा और वीक भी नहीं होगा क्योंकि उसकी एनर्जी साबुदानी के थ्रू पूरी हो जाएगी जितने भी मैंने आपको फूड बताए ये मैंने ऐसे नहीं बताए सारे फूड्स हेल्दी इनमें से आप कुछ ना कुछ डेली चेंज करके भी दे सकती है आपको मेरे बच्चे की पिक्चर शो हो रही है मैंने अपने बच्चों को ये रूटीन में देती आ रही हूँ चेंज करके ऊपर नीचे करके क्योंकि अक्सर एक चीज़ खा के बच्चा भी बोर हो जाता है जितनी भी चीज़ें मैंने बताई बिल्कुल हेल्दी आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे वो कहेंगे बिल्कुल आप यही बच्चों को दें उसके अलावा जो मेन चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता है वो है रोटी गंदुम बच्चों को आप गंदुम दे देसी घी का पराठा सॉफ्ट बना कर उसको खिलाएँ उसको हाथ में रोल करके दे दें ठीक है उसके जो होता है आप उसको उसको चूरी चूरी जिसे कहते हैं देसी घी में पराठे को को हल्की सी चीनी ऐड करके उसकी चूरी बना के बच्चों को खिला सकते हैं इससे ये होगा कि बच्चा मीस बच्चों को डिफरेंट वरायटी मिलेगी जब बच्चों को डिफरेंट वरायटी मिलेगी ना तो बच्चा कुछ ना कुछ खाएगा ज़रूर और उसकी टेस्ट डिवेलप भी होगा अगर एक ही चीज़ आप रूटीन में देते रहेंगे ना तो बच्चा फैडअप हो जाएगा उसके अलावा वो वो खाना छोड़ देगा आपको लगेगा एक वीक तो मेरा बच्चा बहुत खा रहा है दूसरे वीक उसने खाना छोड़ दिया इसलिए मैं आप लोगों के लिए वो फूड आप लोगों को मैं बता रही जो बच्चों को हेल्दी करते हैं अगर आप बनाना नहीं देंगे पटाटो देंगी उससे भी बच्चा हेल्दी हो गए की खीर देंगी उससे भी हेल्दी हो लेकिन आपने रूटीन में प्रॉपर बच्चों को जरूर इनमें से कुछ ना कुछ तीन टाइम देना जरूरी है और मीन्स अंडा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उससे बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जितने मैंने आप लोगों को फूड हैं वो मैंने खुद आजमाए अपने बेटे को मैं देती थी ये ना कि वेट गेन में मदद करता है बल्कि मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है बच्चों को एक्टिव करता है और इसमें बच्चों की हाइट बढ़ती ही बढ़ती है अगर आप लोग रूटीन में इनमें से कुछ ना कुछ देंगे ना और बच्चे को आपने सिक्स मंथ के बाद ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद देना है आपने ठीक है ना जैसे तीन तीन घंटे के बाद दे दिए चार चार घंटे के बाद आप लोगों ने कुछ ना कुछ उसको अलगा बुल्का खिलाते रहना उससे बच्चे की ना खाने की आदत डिवेल्प होगी कि नहीं हम लोग रूटीन में कुछ ना कुछ खाना है और आपकी मीनस देख रहे हैं कि मेरे बच्चों की पिक्चर आपको हो रही है तो ये माशाल्लाह से मैंने अपने बच्चों को इस तरह ही डाइट दी है और ये वो खाने की चीज़ें थी जिससे आप बच्चों को खाना स्टार्ट करवा सकती हैं और हेल्दी है वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फिर मुलाकात होगी हमारी